कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, दिनेश खटिक, दानिश आज दिखे फुल एक्शन में। इंदुपुर प्राथमिक स्कूल का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कुछ भी नहीं बता पाए वहां के छात्र और छात्राएं। सभी अध्यापकों को बीएसए का नोटिस जारी करने का दिया आदेश। मंत्रियों ने निर्माणाधीन पानी की टंकी का भी निरीक्षण किया। टूटी हुई फर्श और टंकी की फर्श धसी हुई, घटिया निर्माण को देखकर भड़के मंत्री। एक्सिन को जमकर लगाई फटकार, ठेकेदार पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया। करोड़ों की लागत से बन रही इंदुपुर में पानी टंकी। मंत्रियों ने गौरी बाजार के गौशाला का भी किया निरीक्षण। मंत्री दिनेश खटिक ने टंकी की पानी को पीकर किया टेस्ट। हरा चारा कम मिलने पर जताई नाराजगी। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं ये तीनों मंत्री। मैं कल सायकाल आपके बीच में 5:30 बजे आया था। जनप्रतिनिधियों से और पार्टी पदाधिकारियों से बात करने के बाद 7 बजे से उद्यमियों के साथ वार्ता हुई लगभग 1.5 घंटे तक, और उनकी जो समस्याओं का निराकरण हो सकता था तुरंत किया गया। साथ ही साथ उसके बाद गांव में चौपाल का आयोजन भी किया गया रात में 9 बजे से लेकर 10:45 तक। और हम समझते हैं कि 13-14 लोगों ने उसमें माइक के ऊपर अपनी बात को रखा और जो भी समस्या का समाधान हो सकता था तत्काल वो भी किया गया, और आगे जो उसमें कार्रवाई है वो भी अपने 2 दिन के अंदर पूरी करने के लिए निर्देश दिया। आज जो समीक्षा बैठक हुई उसके पहले मैं एक स्कूल गया था, एक अस्पताल भी हमने आपका मेडिकल कॉलेज भी आज देखा, गौशाला भी देखा और पानी की टंकी भी देखी। गौरी बाजार में 2 गांव, एक मदैना और दूसरा इंदुपुर, इसको भी देखा। मदैना में जो अमृत सरोवर है, एक तालाब बांध पर प्रत्येक पड़ा हुआ है, उसको अमृत सरोवर में चयन करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार इंदुपुर में भी जो तालाब पड़ा है उसको भी एक अमृत सरोवर के रूप में चयन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ इंदुपुर में जो पानी की टंकी बनी है वो अब तो मार्क नहीं है, वो भी हैंडओवर भी नहीं हुई, उसका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं था, इसलिए हमने 1,00,000 रुपये जुर्माने की बात भी बता दी है कि 1,00,000 रुपये जुर्माना उनके ऊपर होना चाहिए और 1 महीने के अंदर उसको रिस्टोर भी होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों स्थानों पर अमृत सरोवर बन जाए। इसके बाद मेडिकल कॉलेज भी मैं गया था, मेडिकल कॉलेज में सफाई की व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है, और मैंने बोल दिया है कि उनके भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट के आधार के ऊपर वहाँ सफाई होती है, क्योंकि संतोषजनक सफाई नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज के जो CMS है और प्रिंसिपल, वो उसके ऊपर भी जुर्माना करने का मैंने निर्देश दिया है।